कुक विद निशी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी मिल्के की, खाने में बहुत ही यम्मी लगता है। और ये मैं बनाऊंगी बिना दूध और बिना मावे का, और ये बहुत इजी है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। जो हम घी बनाते हैं उसका बचा हुआ जो मावा होता है उससे हम बनाएंगे, और बहुत ही जल्दी बन जाएगा और बहुत ही यम्मी लगेगा। तो चलिए बनाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना बहुत ही यम्मी मिल्के। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे एक पैन। पैन को हल्का गर्म होने दीजिए, फिर यहाँ पे हम घी डालेंगे। घी बिल्कुल भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, बट घी के साथ अगर हम बेसन भूनेंगे ना तो बहुत ही यमी बनेगा। तो यहाँ पे अब हम एक कप, जब घी मेल्ट हो जाए तो एक कप के करीब यहाँ पे हम बेसन डाल देंगे और इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे। एकदम लो या मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कीजिएगा, हाई पे नहीं कीजिएगा, नहीं तो बेसन जल जाता है बहुत ही जल्दी। और इसे लगातार चलाते हुए अच्छा सा फ्लेवर आने तक हम इसे रोस्ट करेंगे, गोल्डन होने तक, कलर चेंज होने तक इसे हम रोस्ट करेंगे। अच्छा सा स्मेल आने लगेगा तो समझिए कि रोस्ट हो गया है। तो देखिए कलर चेंज हो गया है। इसे भूनने में 5 से 6 मिनट लग जाता है लो फ्लेम पे अगर भूनिएगा तो, या मीडियम पे। तो देखिए अच्छे से भुन गया है, कलर भी चेंज हो गया और बहुत ही अच्छा सा स्मेल आने लगा है। तो अब हम इसे ज़्यादा नहीं भुनेंगे और हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, सेम पैन ले लेंगे और उसके बाद ये जो हमने मावा रखा था, हमने बताया था जो घी का बचा हुआ मावा होता है वो हम इसके साथ बनाएंगे मिल्क केक। तो अब हम इसके अंदर डाल देते हैं और इसे एक बार चला लेंगे। गैस फ्लेम यहाँ पे मैंने मीडियम ही रखा है। और फिर अब हम क्या करेंगे, इसे सॉफ्ट करने के लिए यहाँ पे हम दूध डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक कप है, लेकिन इससे हाफ कप ही मैंने दूध डाला है, हाफ कप ही दूध है। और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे दूध में, सॉफ्ट होने तक इसे थोड़ा सा पकाएंगे। जब दूध में उबाल आ जाए तब तक पकाएंगे इसे अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम ही रखा है और इसे अच्छे से लगातार दबाते हुए इसे पकाएंगे थोड़ी देर। तो देखिए अच्छे से दूध में ये मिक्स हो गया है अच्छे से पूरी तरह से। तो अब हम इसे ज़्यादा इसे पकाएंगे नहीं, इसी टाइम हम इसमें चीनी डाल देंगे। तो यहाँ पे एक कप के करीब यहाँ पे मैंने चीनी डाल दिया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, जिसको ज़्यादा मीठा पसंद हो वो ज़्यादा डाल सकते हो, या कम मीठा खाते हो तो कम चीनी डाल सकते हो। और इसे हम लगातार पकाएंगे अच्छे से, चीनी घुलने तक इसे अच्छे से पकाएंगे। तो देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने रोस्ट करके बेसन रखा था वो इसके अंदर हम डाल देंगे। और बेसन डालते हैं इसे कंटिन्यू चलाते हुए, इसे फेंटिएगा नहीं तो क्या होगा, गुठलिया पड़ जाएगा अगर आप कंटिन्यू नहीं चलाइएगा इसे। तो देखिए मैं इसे लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से मिलाऊंगी और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे अच्छे से पकाएंगे। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, हाई पे नहीं पकाइएगा। और अच्छे से लो टू मीडियम पे इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। और जैसे जैसे पैन को ये मिक्सर छोड़ेगा तो समझिए अच्छे से बर्फ़ी जमने लायक ये बन रहा है मिक्सर, और अच्छे से इसे पकाएंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे इलायची पाउडर। आप चाहो तो इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स अगर डालना चाहते हो, अगर आपको पसंद है तो आप इस टाइम डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने इलायची पाउडर का पाउडर डाला है आधी छोटी चम्मच के करीब। और यहाँ पे देखिए अब हम चेक करेंगे, तो देखिए अभी ये बर्फ़ी जमने लायक नहीं है। हाथ पे अगर ऐसे घुमाते हुए इसे चेक कीजिएगा तो देखिए बहुत ही चिपक रहा है, तो अभी ये बनने लायक नहीं हुआ है। तो इसे थोड़ी देर और पकाएंगे, और देखिए थोड़ी देर पकाने के बाद मैं फिर से इसे एक बार चेक करूँगी कि ये पका या नहीं। तो बहुत ही गर्म है, इसे बहुत ही सावधानी से टच कीजिएगा, बहुत ही गर्म होता है। तो देखिए फिर से हम इसे चेक करेंगे कि ये बना या नहीं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से हाथ पे ये चिपक नहीं रहा, और बहुत ही अच्छे से लड्डू का साइज का बन जा रहा है, और बहुत ही अच्छे से बन रहा है। तो समझिए कि अच्छे से बर्फ़ी जमने लायक बन गया है। और अब हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इसे नहीं तो ज़्यादा पका दीजिएगा तो क्या होगा, अच्छे से बर्फ़ी बनेगा नहीं, बहुत ही कड़ा बन जाएगा, फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो अब हम गैस को ऑफ़ कर देंगे। तो चलिए अब बर्फ़ी हम जमाते हैं। तो जमाने के लिए यहाँ पर लिया है मैंने एक, कोई भी बर्तन ले लीजिए जिसमें आपको बर्फ़ी जमाना हो। और यहाँ पे देखिए मैंने तेल वेल नहीं लगाया है प्लेट में, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा तेल होता है तो ये चिपकेगा नहीं। तो ऐसे भी आप डाल सकते हो। और फिर क्या होगा, किसी भी चम्मच या किसी भी सहायते से आप इसे अच्छे से फ्लैट कर दो, अच्छे से इसे चिकना कर दो। तो देखिए अच्छे से ये चारों तरफ फैला के इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे, बहुत ही आसानी तरीके से ये हो जाता है, फैल जाता है और बहुत ही यम्मी लगता है खाने में, बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो देखिए अच्छे से इसे मैंने फैला दिया है, और अब मैं इसे रख दूँगी 1 घंटे के लिए ऐसे जमने के लिए। अगर आप जल्दी में हो तो इसे फ्रिज में रख देना 20 से 25 मिनट, ये आसानी से जम जाता है। और ऐसे रखिएगा तो 1 घंटा लगता है। तो चलिए अब हम इसे जमने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए अच्छे से ये जम गया है, 1 घंटा के बाद मैंने देखा है तो ये अच्छे से जम गया है। तो अब हम इसे कट करेंगे।
बनाएंगे। तो कट आप किसी भी साइज़ का कर सकते हो, शेप में डाल सकते हो। मैं यहाँ बर्फ़ी का शेप दे रही हूँ, आप चाहो तो किसी भी शेप में इसे काट सकते हो, जिस शेप में आपको पसंद हो उस शेप इसे दे सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैं बर्फ़ी का शेप दे रही हूँ, जैसे मार्केट में हलवाई वैसा देते हैं ना, वैसे ही शेप मैं इसे दूँगी और अच्छा लगता है देखने में। वैसा ही बर्फ़ी का शेप बहुत ही अच्छा लगता है देखने में और ये बहुत ही खाने में यमी लगता है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा, जैसे मिल्क केक होता है ना, सेम वैसे ही लगता है। और इसका टेस्ट तो पूछिए मत, इतना यमी लगता है कि बहुत यमी लगता है, एक बार जरूर बनाइएगा। तो देखिए अच्छे से मैंने काट दिया है, बहुत ही आसानी तरीके से ये निकल जाता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, ये टूटता भी नहीं है, जब जम जाता है अच्छे से तब अच्छे से निकल जाता है। तो लीजिए ये बन के तैयार हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा नारियल डाल देंगे ऊपर से, दिखने में सुंदर लगता है। अगर आप चाहो तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऊपर से लगाओगे ना तो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। तो यहाँ बस मैं सुंदर लगने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा नारियल ऊपर से डाल दी हूँ। और लीजिए जी बनके तैयार हो गया, बहुत ही यम्मी डिलीशियस मिल्क केक, बहुत ही ईजिली बन जाता है घर पे और बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार जरूर अपने घर पे बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए कैसा लगा था। मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।